आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ प्रेम में, यानी प्रेम संबंधों में सबसे ज्यादा आज महत्व पाने वाली राशियां, सबसे ज्यादा खुश रहने वाली राशियां जो प्रेम संबंधों को लेकर अपने आज की वो राशियां और उनका राशिफल है ये। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आपका अपना दैनिक राशिफल लेकर, डेली का राशिफल लेकर। क्या कहते हैं आपके सितारे, तो आइए सबसे पहले आपको आज के जो ग्रह गोचर हैं, ग्रह गोचर यानी आसमान में स्थित ग्रह किस किस राशि में बैठे हुए हैं उनकी आपको जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले सूर्यदेव जो है वो मेष राशि में उच्च के होकर विराजमान है। शुक्र देवता जो है वो वृष राशि में अपने घर में विराजमान है, बहुत स्वस्थ है। राहु महाराज जो है वो मिथुन राशि में विराजमान है। जो केतु महाराज है वो धनु राशि में विराजमान है। मकर राशि में एक नहीं इस समय तीन तीन ग्रह विराजमान है, खुद अपने घर में शनिदेव, मंगल देवता खुद शनिदेव के घर में बैठकर उच्च के हो रखे हैं इस समय, बृहस्पति देवता मकर राशि में बैठकर यहाँ नीच भाव में प्रवेश कर गए हैं। और जो मीन राशि है उसमें बुध देवता नीच के होकर विराजमान है। साथ ही इस समय तक जो आज की ब्रह्मकालीन कुंडली है उसके अनुसार चंद्रमा भी मीन राशि में ही विराजमान है। तो यह है आपके ग्रह गोचर जिनके अनुसार ही आपका पूरा दिन व्यतीत होने वाला है। अलग अलग राशियों का वो सब कुछ इन्हीं नौ ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है। हम स्पष्ट रूप से मानते हैं कि परम पिता परमात्मा की सत्ता को चलाने वाले यही नवग्रह देवता हैं। इनकी मर्जी के बिना इस सृष्टि में पत्ता भी नहीं हिलता है। परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि को चलाने की सारी जिम्मेवारियां इन्हीं नवग्रह देवताओं के यानी अपने नौ मंत्री जो हैं ये सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु इनको ही दे रखी है। ये अटल सत्य है। आप सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, आप मानते हैं या नहीं मानते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल सभी लोग कोरोना नाम के भयंकर वायरस की वजह से परेशान है। इस सृष्टि का कण कण से प्रभावित हो रहा है। जब हमने इसकी खोज की तो स्पष्ट रूप से नजर आया कि कोरोना की फॉर्मेशन कैसे हुई, क्या हुआ था उस दिन, किस दिन इसका निर्माण हो गया, किस संयोग के कारण ये बनी है। इसके लिए हमने अपने तीन वीडियो कोरोना के ऊपर बना रखे हैं। आप हमारे चैनल में जाके कोरोना डाल के या हमारे नाम से कोरोना डालकर आप देखेंगे तो आपको तीनों वीडियो मिल जाएंगे और आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि सनातन हिंदू धर्म के अनुसार ये बनी कैसे, इस कोरोना वायरस का निर्माण कैसे हुआ, क्या कारण थे कि ये महामारी की जगह पर ही तो निर्माण हुआ था जहां लोगों की अकाल मृत्यु का योग बना हुआ था, वो कैसे निर्माण हुआ, वो एक एक पल की जानकारी के साथ आपको वहां उस वीडियो में दी गई है। आप उसे देखिएगा और अपना ज्ञान वर्धन अगर संभव है तो करने का प्रयास करिएगा। तो बात करते हैं, आप लोगों की एक जो रिक्वेस्ट हमको आई हुई है, आपने हमसे बार बार निवेदन किया है कि हम ऐसी कोई व्यवस्था करें जिसके द्वारा आप हमें फ्री में उपाय बता सकें। तो उसके लिए हमने शनि मंदिर की तरफ से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किए। उस मोबाइल ऐप का जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब उसका जो लिंक है, वो हम अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप उस मोबाइल ऐप को अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए, उसी का लिंक है। ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर स्वामी प्रिंस ऋषि अपने एक असिस्टेंट साधक और एक असिस्टेंट साधिका के साथ आप लोगों को आपकी परेशानियों का जो उपाय है वो निःशुल्क बताते हैं। आपको उसके लिए किसी को भी एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली उपाय मिल जाएंगे। और उनमें से कुछ लोगों को जो हमें लगता है कि उनके उपाय के जवाब हमें ही देने चाहिए, तो हम अपने जो असिस्टेंट हैं उनके द्वारा आपसे संपर्क स्थापित करते हैं और आपको मदद पहुंचाने का भरपूर प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज विक्रम संवत 2077
22 अप्रैल 2020 अमावस्या तिथि है, कृष्ण पक्ष की, वैशाख मास चल रहा है, आज बुधवार का दिन है। आसमान में जो योग बनता था ब्रह्मकालीन मुहूर्त में, वो विश्वकुंभ योग बना हुआ है आज। और जो नक्षत्र उदय हुआ है वो रेवती नामक नक्षत्र का उदय हुआ है। राहु काल जो रहने वाला है वो 12:19 दोपहर में से लेकर 1:57 तक राहु काल रहने वाला है। इस राहु काल के दौरान आप किसी भी प्रकार के शुभ कर्मों से बचें, यही हमारी आपको सलाह है। यहाँ आप लोगों की सुविधा के लिए एक और बात बता दूं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं, तो हमने आपके लिए आपकी जन्म कुंडली के विभिन्न फॉर्मेशन को देखते हुए कुछ जो वरदान हैं, जो आपने कभी किसी जन्म में पूजा पाठ किया होगा, कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, उसके फलस्वरूप परमपिता परमात्मा ने आपको कुछ वरदान दिए हुए हैं। उन वरदानों का आप खुद अपनी जन्म कुंडली देखकर निर्णय कर सकते हैं कि मुझे ये वरदान मिला हुआ है, और उसकी आदतें जो है आपकी, उस जो वरदान की व्याख्या है आपको खुद ही पता चल जाएगा, हाँ ये वरदान मुझे मिला हुआ है। या अगर आपने कोई पिछले जन्म के पाप कर्म के कारण या इस जन्म के पाप के कर्मों के कारण अगर आपके कोई शाप मिला हुआ है, तो उस शाप का भी लिए हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, मतलब वरदान के भी अलग अलग बहुत सारे हमारे 35-40 वीडियो हैं, और ऐसे ही शाप के बारे में भी हमने 35-40 वीडियो तकरीबन बना रखे हैं विभिन्न शापों के बारे में। तो आप उन वीडियो को, जिनका स्क्रीन पर डिटेल आ रही है, इन वीडियो को आप देखकर अपनी कुंडली में स्वयं ही निर्णय कर सकते हैं कि ये वरदान आपको है या ये शाप आपको है या नहीं। तो आप बिना किसी झिझक के हमारी वीडियो देखकर अपनी कुंडली में जो आपको वरदान या शाप बना रखे हैं उन पर ज्ञान हासिल कर सकते हैं और समय अनुसार फायदा भी उठा सकते हैं। और अब मैं आपसे उन लोगों से बात कर रहा हूं जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरी नई वीडियो का। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर अच्छा लगता है, या बुरा लगता है तो भी कमेंट करें, और अपने रिश्ते और नातेदारों से, मित्रों से इस वीडियो को शेयर अवश्य करें जो आपको प्रभावित करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि वालों, आपकी समय बुद्धि जो है वो सही निर्णय ले पाने में समर्थ होती हुई नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि आपका राशि का जो प्लैनेट है वो आप नीच भाव में जाने के कारण आपकी मदद कर पाने में कमजोर पड़ रहा है, जबकि वो आपका अपना प्लैनेट है, फिर भी मदद तो कुछ ना कुछ करेगा ही, किंतु आपको सावधान रहने की जरूरत है। और यही प्लैनेट की वजह से छुआछूत की बीमारियां भी लगती हैं, तो आपको सतर्क रहने की अत्यंत आवश्यकता है। बात करते हैं परिवारजनों के साथ आपके संबंधों की, तो निश्चित रूप से परिवारजनों का आशीर्वाद लेकर, सहयोग लेकर आप आगे बढ़ने का प्रयास करिए, आपके भाग्य में वृद्धि करने में सहायक है परिवारजन। बात करते हैं भाई बहनों के साथ आपके संबंधों की, तो भाई बहनों के साथ आपके संबंध आपकी एजुकेशन में मदद पहुंचा रहे हैं, आपको स्ट्रांग बना रहे हैं, तो उनकी सहायता लेकर आप अपने एजुकेशन को डेवलप करने की प्रयास करिए, मदद लेने का प्रयास करिए, आगे बढ़ने का, अपने करियर को शेप देने का प्रयास करिए। माता के साथ आपके संबंधों में कुछ अड़चन आ सकती है, किंतु सावधान, माता का आशीर्वाद लेना है आपने और तभी अपने दिन का प्रारंभ करना है। मैं बात करूँ कन्या राशि वालों की, और साथ ही उन सभी कन्या राशि वालों की बात करता हूँ जो गलती से भी किसी सच्चे धर्म गुरु का धर्म, जिस धर्म की जुड़े हुए लोग हैं, धर्म की सेवा करने वाले लोग हैं, उनका अपमान मत करें। किसी धर्म गुरु का अपमान करना आपके लिए निश्चित ही बहुत बड़ी अशुभ सूचना लेकर आएगा। और पढ़ाई लिखाई में तो नेचुरली मैं बात कर रहा हूँ कन्या राशि वाले ठीक कर रहे हैं, उनके लिए कोई वरिड होने वाली बात नहीं है। तो मैं बात करता हूँ उन माँ बाप से जिनके बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, मेहनत करने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं आते, तो ऐसे माँ बाप या ऐसे स्टूडेंट्स बिना किसी झिझक के अपनी जन्म कुंडली स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमें दिखाएं, हमसे कांटेक्ट करें, अपॉइंटमेंट रखें, हम आपकी जन्म कुंडली देखकर एक छोटे से वैदिक उपाय के द्वारा न सिर्फ आपके पिछली साल से
अगली बार ज्यादा नंबर आएंगे, अपितु आपका मन भी पढ़ाई लिखाई में लगने लगेगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। यह वैदिक उपाय आपको साल में केवल एक बार करने होते हैं। बात करते हैं स्वास्थ्य संबंधी, तो आपको सतर्क रहने की अत्यंत आवश्यकता है, अन्यथा आपको परेशानी होने की संभावना भी बन सकती है। बात करते हैं उन लोगों की जिनकी संतान सुख नहीं है, शादी की कई साल हो चुके हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, मगर संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, या उन व्यक्तियों की जिनको बार बार मिस कैरिज होता है मगर डॉक्टरों के पास उस बात का कोई हल नहीं है। ऐसे सभी लोगों को इस बात को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। अब आपको दवा के साथ साथ दुआओं की अत्यधिक आवश्यकता है, तो इसके लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमें एक बार अपनी जन्म कुंडली दिखाएं, दोनों जीवन साथी। तो अगर जन्म कुंडली नहीं है तो चेहरा देखकर आप हमसे वीडियो कॉल, फोन कॉल, ईमेल या स्वयं मिलकर संपर्क कर सकते हैं, तो हम आपकी कुंडली में देखकर उन ग्रह दोषों का छोटे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपायों के द्वारा निराकरण करने का प्रयास करेंगे। कोई पूजा पाठ के नाम पर आपसे प्रपंच नहीं है, यहाँ पर केवल वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय जिन्हें आपने अपने हाथ में ही धारण करना होता है, तो उन उपायों के माध्यम से आपके जीवन में संतान रूपी खुशियां लाने का भरपूर प्रयास करेंगे। जय शनिदेव। मैं नेहा, मैं दिल्ली से हूँ और मैं एक फिल्म मेकर और एक एक्ट्रेस हूँ। प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं होती, आजकल प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में है, पर हम उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या क्या नहीं करते। लेकिन फिर जब हम सारी जगह से हार जाते हैं और फिर हमारी भगवान मदद करता है, वो ऊपर वाला, उसकी वजह से आज मैं गुरु रजनीश ऋषि जी के संपर्क में आई। मैंने उनकी वीडियोस देखी, जब देखा कि लोगों ने इतना उनकी उपाय से फ़ायदा उठाया है, मेरी इच्छा प्रकट हुई कि मैं एक बारी उनसे मिल के देखूँ और एक बारी बात करके देखूँ। बिजी शेड्यूल के कारण मैं मिल नहीं पा रही थी, तो मैंने उनसे वीडियो कॉल पे अपॉइंटमेंट लिया था और मेरी अपॉइंटमेंट मैंने ली थी गुरु माँ रुक्मणी जी से। उन्होंने मेरा वीडियो कॉल पे सारा का सारा मेरी प्रॉब्लम्स को समझा, मुझे उपाय बताए और फिर उन्होंने मेरे को ये राशि के अनुसार मुझे ये रिंग्स पहनने के लिए कही। जब से मैंने ये रिंग्स पहनी है, अभी मुझे सिर्फ 15 दिन हुए हैं और सीरियसली मैं बताऊँ आपको, प्रॉब्लम्स काफ़ी थी, हैं भी, लेकिन पहले से मैं अपने प्रॉब्लम्स में बहुत कमी पा रही हूँ। और मुझे, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है मेरे ही नाम से, नेहा डियालानी के नाम से, तो आप वो जाके देख भी सकते हैं। मेरा चैनल जब मैंने देखा, मैंने उस पर वीडियोस डाली हुई थी कुछ महीने पहले, अब मैंने जब देखा उसको तो मेरे उस पर व्यूज़, मेरे उस पर जो नोटिस है पब्लिक की, ऑडियंस की, वो बढ़ने लग गई है। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन ये हुआ है। आई डोंट नो कि हाउ इट हैपेंड, एंड एवरी डे द व्यूज़ एंड आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, और हर एक दिन एक छोटा छोटा करके सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है। इसका कृपा है, गुरु माँ की कृपा है, उन्होंने मुझे कुछ उपाय भी बताए और मतलब एक बहुत ही मुझे पॉजिटिविटी आ रही है कि रतन जो है हमारी इतनी मदद करते हैं, और अगर ये करते हैं तो हम अभी के तक क्या सो रहे थे। अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स जब तक हम उनसे बिल्कुल थक नहीं जाते, हम तब वो रास्ता चुनते हैं कि हाँ हमें कोई सॉल्यूशन दे। अगर हम उनको शुरू होने से पहले ही किसी की गुरु गाइडेंस ले लें या गॉड गाइडेंस ले लें, या हमें रास्ता मिल जाए, दिख जाए, तो हम तो कितनी आने वाली प्रॉब्लम्स को आने से पहले से ही बच जाएँ और पहले से ही उन प्रॉब्लम्स को हम ख़त्म कर दें। तो मैं उस हर इंसान को यही सजेस्ट करूँगी कि आप जिस भी प्रॉब्लम में हैं, जैसी भी प्रॉब्लम में हैं, आप एक बारी गुरु माँ रुक्मणी से जिसे और गुरु रजनीश जी से अपनी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर कीजिए। जिस तरह उन्होंने लाखों करोड़ों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, उसी तरह उन्होंने मेरी भी प्रॉब्लम को समझा है, सॉल्व किया है, और आगे और भी मैं उनसे आगे गाइडेंस लेती रहूँगी। उसी तरह
आपकी भी सारी प्रॉब्लम्स उन्हीं के द्वारा और उनके उपाय से जल्द सॉल्व हो, ये मेरी इच्छा है। सो आपको किसी चीज़ का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, कोई दो राय लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जब इन चीज़ों से असर हुआ है तो आपको भी ज़रूर होगा, ये मैं आशा करती हूँ। और मेरा गुरु जी को और गुरु माँ को कोटि कोटि धन्यवाद है, दिल से धन्यवाद है। मैं सच्ची बताऊँ, मैं इतनी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करती, पर इनके यहाँ मैं जाके इतना मुझे कृपा महसूस हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आई एम स्पीचलेस और बस इससे आगे कुछ नहीं। आप खुद जाइए और देखिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आते हैं। जय शनिदेव। बात करते हैं जीवन साथी के साथ आपके संबंधों के बारे में, किंतु उससे पहले बात करना चाहेंगे उन लोगों की जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी में अड़चन आ रही है, शादी की उम्र निकलती जा रही है, रिश्ते वाले आते हैं और रिजेक्ट करके चले जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी अंकल आंटी कहके छेड़ने लगे। तो ऐसे सभी युवक युवतियों को और उनके माँ बाप को समझ लेना चाहिए, अगर बार बार एक ही घटना होती है तो इसका मतलब आपके गृह दोषों में अवश्य ही कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप अपने गृह दोषों का निराकरण करवाइए, और उसमें आपको कोई भयंकर या पूजा पाठ का प्रपंच नहीं है, इसमें कोई आपको बलि नहीं देनी है बकरों की, मुर्गों की या उल्लू की। छोटे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय जो आपके हाथ में ही रहने हैं, उन उपायों के द्वारा आप इन ग्रहों को ठीक कर शीघ्र ही शादी का लड्डू खा सकते हैं, यानी कि जीवन साथी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपके पति पत्नी के साथ रिश्तों में अनबन है, तो आप बिना किसी चीज के अपने जीवन साथी के से संबंधित रतन की एक अंगूठी मन से प्राण प्रतिष्ठित जागृत कराकर धारण कर, निश्चित रूप से आपको आराम के लाभ की प्राप्ति होगी। बात करते हैं ससुराल पर से आपको कोई शुभ सूचना की प्राप्ति हो सकती है। भाग्य के हालात आपके बिल्कुल अनुकूल हैं, भाग्य पूरी तरीके से आपको सपोर्ट कर रहा है, तो इस सपोर्ट का फायदा उठाकर आगे बढ़ने का प्रयास करिए। किंतु कार्यस्थल के हालात आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। हमें जो इस स्थिति में महसूस हो रहा है, आपके घर पर या आपके कार्यस्थल पर कोई ना कोई व्यक्ति आपको यंत्र मंत्र तंत्र या पूजा पाठ के माध्यम से आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है, तो अगर आप अपने आप ही ये समस्या सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इस समस्या का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे कि हम क्या कर सकते हैं और आपको समझ में ही नहीं आ रहा, तो आप बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करें, वीडियो कॉल, फोन कॉल, ईमेल के द्वारा या स्वयं मिलकर, तो हम आपकी समस्या का कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के द्वारा प्रदान करेंगे, जिससे आपकी ये जो समस्या आ रही है वो दूर हो सके। आमदनी की बात करते हैं तो आमदनी निश्चित रूप से आप जीवन साथी के सहयोग से अगर बढ़ाने का प्रयास करेंगे और आप तो आपकी आमदनी में वृद्धि हो सकती है, तो जीवन साथी के सहयोग लेकर उनकी सलाह मानकर आप आमदनी में वृद्धि करने का प्रयास करिए। और बात करते हैं उन प्रेम संबंधों के बारे में जो कन्या राशि वाले करते हैं। कन्या राशि वाले, आपके प्रेम संबंधों में अभी शुभता मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है, किंतु मैं बात करता हूँ उन लोगों की जिनको प्रेम संबंधों में निराशा आ रही है। लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ गए, एक दूसरे पर शक होने लगा है कि उनकी जिंदगी में कोई तीसरा व्यक्ति प्रवेश कर गया है, या उनमें से एक जनाब शादी के लिए ही तैयार नहीं हो रहा, या वो बहुत रूडली बिहेव करता है, या वो उससे बात ही नहीं करना चाहता, उसका उससे मन भर गया है। तो ऐसी सभी स्थितियों में अपने प्रेम संबंधों में दोबारा प्राण फूकने के लिए, दोबारा उनको जीवन प्रदान करने के लिए आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय के द्वारा इन संबंधों को दोबारा मजबूती प्रदान करने का अवश्य ही प्रयास करना चाहिए। इसमें आपको कोई बकरों की बलि नहीं देनी है, कोई मुर्गों की बलि नहीं देनी है, कोई उल्लू की बलि नहीं देनी है, कोई पूजा पाठ का प्रपंच या ढोंग नहीं करवाना है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बहुत छोटे से उपाय जो आपके हाथ में ही रहने हैं, उन उपायों के माध्यम से
आप अपने जीवन में, अपने प्रेम संबंधों में आनंद का अनुभव कर सकते हैं, खुशियों को वापस प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, आपके स्वयं राशि में बैठे हुए शनिदेव, उच्च के मंगल देव और देवगुरु बृहस्पति आपको आशीर्वाद ही दे रहे हैं, तीनों के तीनों। तो इस आशीर्वाद का फायदा उठाकर आप अपने जीवन में जो कुछ भी उन्नति करना चाहते हैं वो करने का प्रयास करिए, आपको निश्चित ही कामयाबी मिलेगी। किंतु कोई भी जो समस्या होती है उसका समाधान देश परिस्थिति और काल के ऊपर भी निर्भर करता है। बात करते हैं परिवारजनों का, पूरा सहयोग आपके साथ है। भाई बहनों के साथ अगर बात करें तो उनके साथ जो आपके संबंध है वहाँ कुछ अड़चन आ सकती है, तो आप सतर्कतापूर्वक उनके साथ अपने संबंधों का निर्वाहन करें, अन्यथा कोई परेशानी आपके लिए उत्पन्न हो सकती है, विशेष रूप से बहनों के साथ। किंतु बात करते हैं उन युवक युवतियों या उनके माँ बाप से जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं किंतु उनसे एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा, तो ऐसे सभी युवक युवतियां या उनके माँ बाप को ये बात समझनी चाहिए, अगर बार बार उनको अड़चन आ रही है किसी एग्जाम को क्लियर करने में, तो निश्चित रूप से उनकी कहीं ग्रहों में चेक कराना चाहिए, उनकी जन्म कुंडली चेक कराना चाहिए कि उनकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। अगर सरकारी नौकरी का योग नहीं है तो मैं तो क्या परमात्मा के अलावा कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा इस स्थिति में। ऐसे केस में आपको अपना जो फोकस है किसी दूसरी तरफ डाइवर्ट करना चाहिए, और आपको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हम ताकि आपका फोकस दूसरी तरफ डाइवर्ट होकर आप उस लाइन में सक्सेसफुल हो सके। किंतु जिन लोगों का कमजोर योग है, यानी 5-10% सरकारी नौकरी का योग बना हुआ, तो उस योग को अवश्य ही मजबूत करके आपको सरकारी नौकरी की तरफ धकेला जा सकता है। और बात करते हैं उन माँ बापों की जिनकी संतान एकदम निकम्मी है, जो अपने माँ बाप का अपमान करती है, बेइज्जती करती है, अनादर करती है। ऐसे सभी माँ बाप बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करें। हम छोटे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय के द्वारा आप और आपके संतान के बीच में आ रही समस्याओं को दूर करेंगे। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई जादू टोना टोटका इत्यादि नहीं किया जाता है, ये केवल प्योर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय होते हैं। एक साल में शायद एक बार या दो बार आपको एक छोटा सा उपाय करना है, उसे करने से आपके और आपके जो संतान है उसके बीच जो परेशानी आ रही है, जो प्यार की कमी हो रही है, वो धीमे धीमे करके ठीक होने लगेगी। तो आप बिना किसी झिझक के वीडियो कॉल के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या स्वयं मिलकर अपनी इन सभी समस्याओं को स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर अपॉइंटमेंट लेकर या स्वयं मिलकर दूर कर सकते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स का मन बिल्कुल फोकस रहेगा, जो मकर राशि वाले स्टूडेंट हैं उनका फोकस पढ़ाई लिखाई पर रहेगा। निश्चित रूप से पढ़ाई लिखाई में अच्छा कर सकते हैं, जो कुछ भी आज कर रहे हैं उनको निश्चित ही उसका शुभ फल आगे चलकर प्राप्त होने वाला है। यहाँ बात करते हैं आपके शत्रुओं की। तो इस समय आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, आपको उनसे अत्यंत सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप उनसे सावधान नहीं रहेंगे तो वो आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं आने वाले समय में। अगर आप इन शत्रुओं पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं या इन शत्रुओं से पार नहीं पा पा रहे हैं, तो आप बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करें। हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से छोटे से वैदिक उपाय करके, जो आपने ज्यादा नहीं साल में एक या दो बार करने होते हैं, उन उपायों के द्वारा आपके जीवन में खुशियां लाने का भरपूर प्रयास करेंगे। उसके लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करें, अपॉइंटमेंट लें, वीडियो कॉल के द्वारा, फोन कॉल, ईमेल या स्वयं आकर हमसे मिल सकते हैं। अब बात करते हैं जीवन साथी के बारे में। तो मैं मकर राशि के जो व्यक्ति हैं, क्योंकि उनकी मकर राशि वालों की जो नेचर है वो थोड़ी रूड होती है, अपनी रूडनेस की वजह से वो हमेशा अपने जीवन साथी को जाने अनजाने में कष्ट प्रदान करते रहते हैं, दुख प्रदान करते हुए रहते हैं, जिसका वजह से उनका जीवन साथी हमेशा आंसू बहाता रहता है, कभी सामने कभी चुपके चुपके।
तो ऐसी स्थिति में मैं मकर राशि वाले जातकों से कहना चाहूंगा, वो सदैव जीवन साथी से संबंधित रतन की एक अंगूठी अवश्य ही धारण करें। इसी अंगूठी को प्राप्त करने के लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं भाग्य की, तो भाग्य के हालात आपके फेवर में नहीं आ रहे हैं। भाई बहनों की वजह से आपको कुछ अड़चन हो सकती है भाग्य में, तो आप इसको सुधारने का अवश्य प्रयास करें। भाग्य को ठीक करने के लिए आपको पन्ना की, जो पन्ना रतन है, उस रतन की अंगूठी मन से प्राप्ति से जागृत कराकर अवश्य अपने हाथ में धारण करनी चाहिए। अगर ऐसी अंगूठी आपको नहीं मिल पा रही तो बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आए नंबरों पर हमसे संपर्क करके यह अंगूठी अपने घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उपरतन की अंगूठियां ही विदेश में भेजी जाती हैं। देश में हम अवश्य असली पन्ने की अंगूठी आपको पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी भेजने में समर्थ है, आपके साइज के हिसाब से बनवा कर। उसके लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करके अंगूठियां घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं कार्यस्थल के हालात की, तो कार्यस्थल के हालात आपके लिए अनुकूल हैं, और यहाँ पर भी अगर आप जिनसे प्रेम करते हैं उनके सलाह मानकर, या जो आपकी संतान है उनकी सलाह मानकर अगर आप इसमें ऊपर नीचे करेंगे, चाहे आप नौकरी करते हैं व्यापार करते हैं, हालांकि मैं जानता हूँ मकर राशि वाले लोग बहुत लंबे समय तक नौकरी नहीं कर सकते, अंततः तो उन्होंने अपना ही कार्य करना होता है। बात करते हैं आमदनी की, तो आमदनी का सितारा बिल्कुल आपके साथ खड़ा हुआ कर आपकी आमदनी में वृद्धि कर रहा है, तो मौके का फायदा उठाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। और आखिर में आपको विशेष बात, इस समय पर क्या, पूरे जीवन में कभी भी किसी धर्मगुरु का अपमान मत करना। अगर आप किसी धर्मगुरु का अपमान करेंगे तो आपकी धन संपत्ति और वैभव धीमे धीमे करके गायब हो जाएगा, और आप कारण ही ढूंढते रह जाएंगे मगर वो कारण कभी भी आपकी समझ में नहीं आएगा। तो कभी भी कोई धर्म गुरु आपको हो तो उसके बारे में कभी भी उसका अपमान मत करना, साथ ही अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, आपका क्रोध आपके लिए हानिकारक हो सकता है। बात करते हैं जो प्रेम संबंधों में निराश हो रहे हैं उन युवक युवतियों की, प्रेम संबंधों में अड़चन आ रही है, लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ गए, एक दूसरे पर शक होने लगा है कि उनकी जिंदगी में कोई तीसरा व्यक्ति प्रवेश कर गया है, या उनमें से एक जनाब शादी के लिए ही तैयार नहीं हो रहा, या वो बहुत रूडली बिहेव करता है, या वो उससे बात ही नहीं करना चाहता, उसका उससे मन भर गया है। तो ऐसी सभी स्थितियों में अपने प्रेम संबंधों में दोबारा प्राण फूकने के लिए, दोबारा उनको जीवन प्रदान करने के लिए आप को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय के द्वारा इन संबंधों को दोबारा मजबूती प्रदान करने का अवश्य ही प्रयास करना चाहिए। इसमें आपको कोई बकरों की बलि नहीं देनी है, कोई मुर्गों की बलि नहीं देनी है, कोई उल्लू की बलि नहीं देनी है, कोई पूजा पाठ का प्रपंच या ढोंग नहीं करवाना है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बहुत छोटे से उपाय जो आपके हाथ में ही रहने हैं, उन उपायों के माध्यम से आप अपने जीवन में, अपने प्रेम संबंधों में आनंद का अनुभव कर सकते हैं, खुशियों को वापस प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय शनिदेव।